नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद अमरोहा के हसनपुर में शनिवार को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नाले नालियों की सफाई को लेकर एक ज्ञापन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को सौंपा। ज्ञापन में मोहल्ला होलीवाला, शिवाला रोड व झकड़ी रोड तक नाले एवं नालियों के ओवरफ्लो होने के कारण सड़कों पर भरी गंदगी पसरी हुई है, जिसको लेकर मंदिर को जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के संबंध में ज्ञापन के माध्यम से शिव सैनिकों ने शिवरात्रि के त्योहार एवं धार्मिक स्थल के मद्देनजर उक्त रोड विशेष साफ सफाई की व्यवस्था, नाले नालियों की सफाई की जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से शिवसेना के नगर अध्यक्ष विकास कुमार यादव, दीनदयाल यादव, पूर्व नगर अध्यक्ष राजकुमार सागर, मनु यादव आदि मौजूद रहे। अमरोहा जनपद के हसनपुर संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे ग्रामीणों ने दबंगों पर जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को मुक्त कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही एक शिकायती पत्र संपूर्ण समाधान दिवस में सौंपा। प्रदर्शनकारी मोहम्मद राहुल ने बताया कि लगभग 50 वर्ष पूर्व गांव पीठ खेड़ा में खाता संख्या 242, 244, 246 में पट्टे किए गए थे, जिस पर हमारे नाम सरकारी अभिलेखों में भी दर्ज है। गाँव के ही कुछ दबंगों के द्वारा उनकी जमीन पर जबरदस्ती अवैध कब्जा कर लिया। जमीन पर अवैध कब्जे के बाद लगातार पीड़ित अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस संबंध में कई बार हलका लेखपाल से भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन लेखपाल भी कब्जा कराने की एवज में धन की मांग कर रहा है। पीड़ित ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर राजस्व निरीक्षक एवं रजबपुर पुलिस द्वारा पैमाइश कराकर पट्टेदारों को जमीन को कब्जा मुक्त कराकर दिलाए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में मोहम्मद राहुल, तालिब सोनफा, अमीना, वीर सिंह चौधरी, गुरमीत समेत ग्रामीण मौजूद रहे। जमीन है लगभग 50 साल से जो उन पर अवैध कब्जा कर रखा है। जैसे कि सनी पुत्र राजिंदर, शशिवाला पत्नी राजिंदर, ऋषिपाल, जसराम, पहलाद, हरपाल। शिकायत कर लीजिए आपने कहीं से? कई बार करी, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। जी, हम चाहते हैं कि अपनी हमारी जमीन मिले, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। अमरोहा जनपद के हसनपुर नगर निवासी अधिवक्ता आकाश गुप्ता के पुत्र ने अंतर जनपद स्तर पर हुई बैडमिंटन डबल्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र के साथ साथ अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है। बता दें कि शुक्रवार को धनोरा विधानसभा क्षेत्र के बछरायु नगर में प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की संस्था महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बछरायु अमरोहा द्वारा अंतर जनपद स्तरीय बैडमिंटन सिंगल्स एवं डबल्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, गाजियाबाद आदि जिलों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें बैडमिंटन डबल्स प्रतियोगिता में सूर्यांश गुप्ता ने प्रथम स्थान प्राप्त कर जिला अमरोहा के साथ साथ हसनपुर नगर का भी नाम रोशन किया है। वहीं उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। वहीं उनके पिता आकाश गुप्ता एडवोकेट एवं माता रूपाली गुप्ता भी सूर्यांश गुप्ता के प्रथम आने पर गदगद है एवं उन्होंने जीत के बाद घर आने पर अपने पुत्र को मिठाई खिलाई एवं अन्य लोगों को भी मिठाई का वितरण किया। तो ये क्या मामला आया जो आप ये मेरे कॉलेज में महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ पे एक खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी जिसमें बैडमिंटन और काफ़ी अन्य स्पोर्ट्स हुए थे। तो उसमें लगभग काफ़ी जिले के बिजनौर, बिहार, मतलब अलग अलग अदर स्टेट से भी लोग थे। वहाँ पे प्रथम नंबर मेरे को आया है, फर्स्ट आया हूँ मैं उसमें। बैडमिंटन का सिंगल्स और डबल्स दोनों में हमको फर्स्ट प्राइज़ मिला है और इसका श्रेय मैं अपने पापा और मम्मी को देना चाहता हूँ। इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है मेरे लिए और धन्यवाद आप सभी का। अमरोहा जनपद के हसनपुर में सरकार की मंशा अनुसार लगाए जा रहे संपूर्ण समाधान दिवस में 21 शिकायत पहुंची, जिसमें से 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण अधिकारियों द्वारा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा अनुसार हर माह प्रथम एवं तृतीय शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में मार्च के प्रथम शनिवार को नगर के ब्लॉक प्रांगण में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी द्वारा शिकायतें सुनी गई। मौके पर पहुंची 21 शिकायतों में
राजस्व विभाग की 6, पुलिस विभाग की 3, पूर्ति विभाग की 3, विकास विभाग की 2, विद्युत विभाग की 5 एवं 2 अन्य शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से अधिकारियों ने 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। वहीं अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए वह अन्य अधिकारियों को आदेशित किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से उपजिलाधिकारी पुष्पर नाथ चौधरी, पुलिस क्षेत्र अधिकारी दीप कुमार पंत, नायब तहसीलदार, SDO, विद्युत विभाग, फैक्ट्री पूर्ति विभाग आदि सहित समस्त विभागों के अधिकारी, हल्का लेखपाल, थाना अध्यक्ष आदि संबंधित लोग मौजूद रहे। वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया। हलचल इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।